तो स्टूडेंट्स आज हमारे जो चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 5 बुक है हमारी आरडी शर्मा एक्सरसाइज है हमारी 5.1। तो हमारे जो चैप्टर नंबर 4 था वो था हमारा सिर्फ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का थोड़ा सा अपग्रेड वर्जन है, यानी इसके अंदर आपको फैक्टराइजेशन सिखाया जाएगा, यानी कि गुणनखंड, हिंदी में क्या बोलते हैं गुणनखंड। तो हमें देखिए, हमने अपने फर्स्ट वीडियो के इस पार्ट के अंदर 5 आपके क्वेश्चन है, एक्सरसाइज है आपकी 5.1, उसमें फैक्टराइजेशन करना है आपको, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 दिए हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, x की क्यूब प्लस x माइनस 3x स्क्वायर माइनस के 3। सबसे पहले इसे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले सॉल्यूशन डाल लेते हैं क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन क्या है, गिवन है हमारे पास क्वेश्चन x की क्यूब प्लस x माइनस 3x स्क्वायर और माइनस के 3। देखिए स्टूडेंट, इन दोनों के अंदर सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें इसके अंदर कॉमन लेना होता है। क्या करते हैं, कॉमन। तो कॉमन ले लेते हैं दोनों में। देखिए यहां पर क्या है, x की क्यूब और x। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए, x की क्यूब यानी कि x यहां पर 3 टाइम नोट है, जैसा कि हमने पहले हम जानते हैं x इंटू x इंटू x इक्वल टू क्या बोल सकते हैं हम, x की क्यूब, ठीक है। यहां पर यानी x क्या है, x की क्यूब यानी x का मल्टीपल 3 टाइम है, और यहां पर है हमारे पास x। तो आपको पता होना चाहिए जो लीस्ट पावर होती है यानी कि जो कम पावर होती है वही कॉमन आती है। तो यहां पर क्या है, इन दोनों में से कम पावर कौन सी है, x है, यानी x का मीन्स x की पावर 1 भी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट इनमें से कॉमन क्या आएगा, x आएगा, x कॉमन आ गया। तो हमारे पास यहां से क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस, जब कोई चीज पूरी की पूरी कॉमन आती है तो उसकी जगह क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। तो फर्स्ट हमने इन दोनों में से क्या ले लिया, x को कॉमन ले लिया, तो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब स्टूडेंट यहां से देखते हैं माइनस के 3 अगर हम कॉमन ले लें, देखिए माइनस 3 है यानी 3 तो हमें कॉमन दिखाई दे रहा है, बट इसके साथ में हम देख रहे हैं 3x स्क्वायर के साथ भी माइनस है, और 3 जो माइनस है वो 3 के साथ भी माइनस है। तो हम क्या करेंगे, यहां से माइनस में कॉमन लेंगे माइनस के 3। अब ब्रैकेट के अंदर हमारे पास कॉमन क्या रह जाएगा, एक्स स्क्वायर। जब माइनस कॉमन लोगे आप तो ये माइनस जो है ये चेंज हो जाएगा प्लस में। अब कोई चीज पूरी की पूरी कॉमन आ जाती है, क्योंकि पीछे क्या था, 3 था, तो 3 पूरा का पूरा कॉमन आ गया, तो आपको पता है उसकी जगह क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा। क्यों, क्योंकि 3 को हम क्या नोट कर सकते हैं, 3 इंटू 1। कोई भी अगर नंबर होता है जैसे 7 इंटू 1 = 7, तो अगर हम यहां से 7 कॉमन ले लें तो 1 हमारा रह जाएगा, 1 क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो स्टूडेंट अब यहां से देखिए सेकंड इसकी कंडीशन क्या होती है, कि ब्रैकेट के अंदर इनिशियल जो होता है ब्रैकेट के अंदर क्या होना चाहिए, दोनों में ब्रैकेट में सेम आ जाना चाहिए। तो हमारे पास क्या मिल गया हमें, एक्स स्क्वायर प्लस 1, और सेकंड ब्रैकेट के अंदर भी क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो स्टूडेंट इन दोनों में से यही कॉमन है, इसे एक बार हम नोट कर लेंगे ब्रैकेट में, यानी क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1। अच्छा, फिर इसके बाद जो ब्रैकेट में जो के बाहर जो रहेगा क्या रहेगा, एक्स, और फिर क्या रहेगा, माइनस के 3। तो क्या आ गया हमारा, एक्स माइनस 3। स्टूडेंट्स आंसर, फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा बिल्कुल, यहां देखिए दो स्टेप के अंदर, ये तो हमारा क्वेश्चन है, दो स्टेप के अंदर हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। हमें क्या मिल गया है, x माइनस 3, और सेकंड ब्रैकेट में क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट है। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं बिल्कुल इसी तरीके से। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास गिवन है x प्लस b की क्यूब और माइनस के 3 a स्क्वायर b, और फिर क्या है, a प्लस b। तो स्टूडेंट देखिए हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर हम अपने a प्लस बी की क्यूब, जैसे कि अभी हमने x की क्यूब को कॉमन लिखा था, इसी तरीके से a प्लस बी की क्यूब क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी और इंटू ए प्लस बी, इसे हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी की क्यूब। तो स्टूडेंट देखिए ये 3 टाइम है a प्लस बी और यहां पे भी a प्लस बी, तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, a प्लस बी को हम क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। अब जो रह जाएगा हम उसे नोट कर लेते हैं, यहां से क्या रह गया हमारे पास, क्या रह गया, यहां से a रह गया। फिर देखिए 3 पावर थी, एक हमने कॉमन ले लिया, तो हमारे पास में 2 रह गए, a प्लस बी, a प्लस बी, तो क्या हम इसे क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, बिल्कुल हो गया। अब देखिए यहां से a प्लस बी हमने कॉमन ले लिया, तो क्या रह गया हमारे पास में, 3a स्क्वायर बी, क्या रह गया, माइनस के 3a स्क्वायर बी, ब्रैकेट को आप क्लोज कर दीजिए। अब क्या करेंगे, अब हम यहां से करेंगे, अब हमारे पास क्या है, a प्लस बी, ये ब्रैकेट के बाहर ही रहने दीजिए, ये जो है a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसे हम आइडेंटिटी यूज कर लेंगे, कौन सी आइडेंटिटी हो जाएगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और प्लस के क्या होते हैं, 2ab। तो स्टूडेंट इसी आइडेंटिटी से इसे ओपन कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस के 2ab, और माइनस क्या हो जाएगा इसके बाद, 3a स्क्वायर बी।
अच्छा जी, अब हमें क्या करना है, अब हम एक काम करते हैं, देखिए ब्रैकेट के बाहर हमारा ए है, तो हम इस ए की मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे, इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर ए की क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ए की मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा हमारा, ए प्लस बी, जो हम कॉमन लेके चल रहे हैं, यहां से क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर है, ए की मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए की क्यूब प्लस ए की मल्टीप्लाई बी स्क्वायर में होगी, ए बी स्क्वायर, और प्लस के टू ए स्क्वायर बी, और माइनस के थ्री क्या हो गया हमारे पास में। अच्छा, हमने इसके पास में जब हमने मल्टीप्लाई कर दी तो हमारी ये मल्टीप्लाई यहां तक होगी, और इसके बाद क्या था हमारे पास में, जो हमारा इनिशियल जो इसका आया था उसी में ही इसकी मल्टीप्लाई होगी, और क्या आ गया, ए स्क्वायर बी। अब देखिए ए, अब हमारे पास क्या है, ए प्लस बी, ए की क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर, और यहां से देखिए टू ए स्क्वायर बी माइनस थ्री ए स्क्वायर बी, क्या हो जाएगा, माइनस के ए बी, माइनस के ए स्क्वायर बी हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, टू ए स्क्वायर बी माइनस के थ्री ए स्क्वायर बी, ये प्लस प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, टू माइनस थ्री इज इक्वल टू माइनस का वन हो जाएगा, तो माइनस के वन को हम डिनोट नहीं करेंगे, वो भी क्या हो जाएगा, वो माइनस वन होगा, तो माइनस के वन ए स्क्वायर बी लिख दो या माइनस के ए स्क्वायर बी लिख दो, सेम है। अब देखिए इनमें से अब हमें क्या करना है, अब हम अपने इस क्वेश्चन के लिए इन दोनों में से ही क्या करते हैं, अब देखिए यहां से तो कोई कॉमन नहीं है, यहां से अगर हम वापस देखें, हमने सिर्फ ये मल्टीप्लाई इसलिए करा था क्योंकि हमारी कैलकुलेशन जो है वो शॉर्ट हो जाए। अब यहां से क्या कर सकते हैं, आप याद तो चाहो तो आप यहां भी आंसर छोड़ दोगे, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, वरना क्या करते हैं, हम यहां से ए को फिर से कॉमन ले लेते हैं, ए को अगर हम कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो स्टूडेंट हमारा जो फाइनल आंसर जो आएगा, ए प्लस बी, सेकेंड ब्रैकेट में ए हमने कॉमन ले लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के ए बी, तो ये जो है हमारा क्वेश्चन नंबर टू कंप्लीट है। तो क्वेश्चन नंबर टू हमारा कंप्लीट हो गया, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ। तो थ्री के लिए भी हमारा बोर्ड जो है वो भर गया है, अब हम इसे रफ किए देते हैं। तो स्टूडेंट देखिए यहां स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, तो आप इसे नोट कर पाएंगे। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर थ्री जो है हमारा, तो क्वेश्चन नंबर थ्री को नोट करता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर थ्री का उसका सॉल्यूशन करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर थ्री है x, x की क्यूब माइनस वाई की क्यूब और प्लस के थ्री एक्स वाई और x माइनस वाई। तो स्टूडेंट यहां से आप देखिए, आप अगर इसे देख रहे हैं तो x की क्यूब माइनस b की क्यूब, आपको कोई आइडेंटिटी याद आ रही होगी, हम पहले उस आइडेंटिटी को नोट कर लेते हैं। तो आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, x की क्यूब माइनस वाई की क्यूब इक्वल टू क्या होता है हमारा, फर्स्ट ब्रैकेट में क्या आता है, फर्स्ट ब्रैकेट में आता है आपका एक्स माइनस वाई, और सेकेंड ब्रैकेट में आता है आपका सॉरी एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स वाई और प्लस के वाई स्क्वायर। तो स्टूडेंट आइडेंटिटी जो यूज होगी वो हमारी ये होगी, मैं इसे ब्रैकेट में क्लोज किए देता हूं। तो यहां पर देखिए सबसे पहले क्या लिखा है हमें एक्स, अब इस एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब को ये आइडेंटिटी यूज करके हम इसे ओपन कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा एक्स माइनस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स वाई और प्लस के वाई स्क्वायर। अब इसके बाद प्लस के थ्री एक्स वाई और ब्रैकेट के बाहर क्या है एक्स माइनस वाई। अब स्टूडेंट आप देखिए यहां से क्या कॉमन आ रहा है आपके लिए, अगर हम यहां से देखें कॉमन क्या मिल रहा है हमें माइनस के एक्स वाई, और देखिए अगर हमें यहां से एक्स कॉमन आ जाएगा और एक्स माइनस वाई यही कॉमन आ जाएगा, तो कर लीजिए x ब्रैकेट में x माइनस वाई ये कॉमन आ गया, यहां से हमारे पास क्या रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स वाई और प्लस के वाई स्क्वायर। अब इधर से देखिए x और x माइनस वाई ये तो दोनों कॉमन आ गए, क्या रहेगा हमारे पास थ्री वाई, क्या रहेगा प्लस के थ्री वाई। अब देखिए जो आपका फाइनल जो आंसर आया वो क्या है, x ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई सेकेंड ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस के थ्री वाई, ये आपका आंसर हो गया। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर तीन भी हमारा कंप्लीट है, क्वेश्चन नंबर फोर पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फोर सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर क्या है, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस के ए एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स प्लस का ए। तो स्टूडेंट आपको देखने से आप सोच सकते हैं इसके अंदर क्या करेंगे हम, नेक्स्ट सबसे पहले स्टेप क्या होगा, अगर हमारे पास में ब्रैकेट में कुछ चीज हमें गिवन है तो इस मींस इसके बाहर जो फंक्शन है एक्स इसकी इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की जब इसमें मल्टीप्लाई होगी यानी ए एक्स एक्स स्क्वायर एक्स की मल्टीप्लाई होगी एक पावर हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा ए एक्स की क्यूब
प्लस एक्स और प्लस के ए, एक्स की वन में मल्टीप्लाई हुई एक्स, एक्स प्लस के हो गया। अब स्टूडेंट हमें करना क्या है अपने क्वेश्चन के अंदर, अब हम इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं। देखिए ए स्क्वायर और ए, छोटी पावर आपकी कॉमन आती है तो क्या हो जाएगा, ए कॉमन आ जाएगा। ए स्क्वायर है यानी ए दो बार था और ए एक बार था, तो ए कॉमन आ गया। यहां से आप देखिए एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो देखिए ए कॉमन है, ए स्क्वायर था, ए कॉमन ले लिया हमने इससे, तो एक तो ए बच गया। यहां से देखिए एक्स स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर पूरा का पूरा कॉमन ले लिया, तो कुछ नहीं बचेगा, तो सिर्फ ए बचेगा। आगे चलते हैं, ए था ए हमने कॉमन ले लिया, बिल्कुल ठीक है। एक्स एक्स की क्यूब है, उसमें से एक्स स्क्वायर हमने निकाल लिया, तो एक एक्स रह गया, रह गया ठीक है। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, यहां से ले लेते हैं एक्स प्लस ए। अब देखिए हमें अपने हमें जो मिल गया है एक्स प्लस ए प्लस एक्स, और यहां से क्या मिल गया एक्स प्लस ए, दोनों ही सेम थिंग है। अब हम क्या करते हैं इन दोनों में से, अगर देखिए कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी में से अगर कॉमन नहीं आ रहा है तो हम नेक्स्ट इसके अंदर क्या कर सकते हैं, ए एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में क्या है एक्स प्लस ए। अगर स्टूडेंट कुछ भी कॉमन नहीं होता तो प्लस का वन हमेशा कॉमन होता है, तो यहां से क्या हो जाएगा एक्स प्लस ए। अब देखिए दोनों ब्रैकेट में सेम हो गए, कॉमन हो गए, तो क्या हो जाएगा ए प्लस एक्स, और सेकेंड ब्रैकेट में क्या आ जाएगा जो ब्रैकेट के बाहर हमारा होता है यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस के वन। यही आपका आंसर है, क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर फोर का जो फाइनल आंसर क्या आ गया, ए प्लस एक्स सेकेंड ब्रैकेट में ए एक्स स्क्वायर प्लस वन, क्वेश्चन नंबर फोर कंप्लीट है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका नोट कर लेते हैं। अब स्टूडेंट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव के लिए, क्वेश्चन नंबर फाइव को हम सॉल्व करते हैं। तो यहां से क्वेश्चन नंबर फाइव जो है ये भी बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, नोट कर लिया आपने। आगे चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर फाइव जो है हमारा वो बहुत ही दो लाइनों के अंदर ये सॉल्व हो जाएगा, ज्यादा टफ है नहीं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर फाइव को। तो क्वेश्चन नंबर फाइव में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर फाइव है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस एक्स वाई और माइनस के एक्स। अब स्टूडेंट आप सोचिए इसके अंदर क्या हो सकता है, तो हम इसमें क्या करेंगे, एक काम करते हैं, सबसे पहले करना क्या है, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर नोट करिए, माइनस के एक्स वाई है, इसे इसके साथ लेके आएंगे हम। तो ध्यान दीजिए अगर हम आगे पीछे किसी एलिमेंट को लेके जाते हैं तो उसका साइन यानी जो उसका चिन्ह है वो उसी के साथ रहता है। यहां देखिए एक्स वाई माइनस के साथ था तो एक्स वाई माइनस के साथ ही गया, उसका चिन्ह नहीं बदलेंगे हम, पॉइंट है याद रखिएगा। अब देखिए यहां से क्या लेते हैं, अब हम इसके बाद हमने क्या ले लिया माइनस के एक्स, देखिए एक्स को उठा के आगे लेके गए, एक्स के साथ माइनस था वही माइनस लिया है, वाई को हम पीछे लेके आ रहे हैं तो प्लस का वाई है तो हमने प्लस का ही वाई लिया। अब दोनों में से क्या करो कॉमन ले लो, कॉमन क्या आ जाएगी छोटी यूनिट आएगी, छोटी यूनिट क्या है एक्स है, बड़ी यूनिट क्या है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर तो कॉमन आने वाला नहीं है, क्या कॉमन आएगा एक्स कॉमन आएगा, तो एक्स कॉमन आ गया, यहां से क्या बचा एक्स माइनस वाई। अब देखिए इन दोनों में से यहां से तो आ गया हमारा क्या एक्स माइनस वाई कॉमन आ गया। अब इन दोनों में से अगर हम वन कॉमन लेते हैं, ध्यान दीजिएगा अगर हम वन कॉमन लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स प्लस वाई, बट हमें क्या चाहिए माइनस में चाहिए, एक में प्लस आ रहा है गलत हो जाएगा, तो इसलिए क्या करेंगे स्टूडेंट माइनस भी कॉमन ले लेंगे। जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो ध्यान दीजिए इनिशियल ब्रैकेट के जो साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, यानी जो प्लस है देखो यहां पर एक्स माइनस का तो ये तो एक्स का हो गया प्लस का, और वाई प्लस का था ये हो गया माइनस का, ध्यान दीजिए माइनस भी इसके साथ क्या आया है कॉमन लिया है हमने। अब देखिए हमारे ब्रैकेट में दोनों में सेम हो गए, यही हमें चाहिए था, तो क्या हो गया एक्स माइनस वाई, और सेकंड इसमें क्या हो गया एक्स माइनस, देखिए दोनों का कॉमन हो गया ब्रैकेट के बाहर आ गया, और इसके बाद क्या आ गया एक्स, एक्स है माइनस वन है तो माइनस वन है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर फाइव जो है ये भी कंप्लीट है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर वन हमने सॉल्व कर लिया, क्वेश्चन नंबर टू भी सॉल्व हो गया, थ्री भी सॉल्व हो गया, फोर और क्वेश्चन नंबर फाइव ये हो गया। तो स्टूडेंट्स हमारे फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, मैं उम्मीद करता हूं आपके समझ आ गए होंगे, वन टू फाइव मैंने इस वीडियो के अंदर कवर कर लिए, नेक्स्ट वीडियो में इससे नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आऊंगा। जब तक ध्यान से वीडियो को देखें, अपनी पढ़ाई करते रहें।